उत्तर बिहार का एकमात्र सूर्य मंदिर जो सारण जिला के कोठिया नाराओं में स्थित है। यह सूर्य मंदिर गड़खा प्रखंड के अवतार नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सड़क मार्ग से इस मंदिर पर पहुंचने के लिए मूसेपुर से 3 किलोमीटर अंदर और रेल मार्ग से बारागोपाल या डुमरी जुआरा से 3 किलोमीटर अंदर पड़ता है और छपरा मुख्यालय से इसकी दूरी 18 किलोमीटर पड़ेगा आपको। इस मंदिर के वीडियो के माध्यम से दिखाने से पहले इसकी एक छोटा सा इतिहास बताता चलूँ आप लोगों को। वास्तव में यह स्थल दर्शकों एवं भक्तों का मन मोहने वाला स्थल है। यहाँ का इतिहास हजारों वर्ष पहले का है, जब यहाँ एक राम जानकी मंदिर हुआ करता था। यह स्थल सप्त ऋषियों का योग केंद्र रहा है। इसका जुड़ाव अयोध्या, रांची, फतेहा, जलंधर आदि केंद्रों से रहा है। यह मंदिर का 4 चांद तब लगा जब श्री श्री 108 रामदास जी महाराज द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया एवं सूर्य कुंड का निर्माण कराया गया। उसके बाद 9 कुंडीय महायज्ञ शुरू हुआ। दूर दूर से संत महात्माओं नागाओं का आगमन हुआ और तब से दिनों दिन इसकी रौनकता बढ़ती गई और आज ये स्थल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने के कगार पे है। मंदिर परिसर में कोसी कुंड का निर्माण कराया गया है, जो आइए हम दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से, लिए चलते हैं आपको कोसी कुंड। ये है कोसी कुंड जो कि छठ पूजा के टाइम में कोसी माता का हम लोग पूजन करके और इसी में कोसी कुंड में विसर्जन भी करते हैं। ये देखिए, ये वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और सबसे खास बात है कि इस मंदिर पे एक बहुत बड़ा पोखर का निर्माण कराया गया है। अभी पतझड़ का समय चल रहा है, जो अभी इसका जल आपको गंदा दिखाई देगा और ये चारों तरफ से ये कूड़ेदान का प्रयोग किया गया है। पोखर के चारों कोना पे ये कूड़ेदान का प्रयोग किया गया है। और ये है एक मंदिर परिसर में गौशाला के निर्माण भी कराया गया है, जो बहुत बड़ा गौशाला है। और ये मंदिर का दीवार पे नेम प्लेट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये नेम प्लेट उन लोगों का है जो ये गौशाला का निर्माण कराए हुए हैं। और आप जानते हैं कि नेम प्लेट एक बार लग जाने से युगों युगों तक ये नेम प्लेट रह जाता है। आइए आपको राम जानकी मंदिर के अंदर लिए चलते हैं। ये देखिए, बंदर जी महाराज हैं। इनकी प्रजातियाँ बहुत दिनों से, जब से मंदिर का निर्माण हुआ है तब से ये लोग इस मंदिर की रक्षा करते हैं। और आइए आपको मंदिर परिसर के अंदर लिए चलते हैं। ये देखिए, ये मंदिर परिसर का अंदर का दृश्य है। राम जानकी जी का मंदिर है ये। और यहाँ पे ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, सभी देवी देवताओं का यहाँ पे मूर्तियाँ मिल जाएगा। और आपको मैं पहले भी बताया था कि ये देखिए, ये साधु जी महाराज है जो इस मंदिर का देख रेख और पूजन पाठ करते हैं। और नित्य प्रतिदिन ये राम जानकी जी का भोग लगाते हैं सुबह शाम। ये दर्शन कीजिए आप लोग राम जानकी जी का। और यहीं पास में श्री श्री 108 रामदास जी महाराज का प्रतिमा लगाया गया है।
जो पहले भी बता चुके हैं कि ये सूर्य मंदिर का निर्माणकर्ता भी हैं। ये देखिए श्री श्री का श्री श्री 108 रामदास जी महाराज का प्रतिमा है। और यहाँ का ख़ास बात यह है ना कि ये जो दीवार दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ से, सारे दीवार पर श्री राम जय जय राम राम स्तुति लिखा गया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप लोग इस रास्ते से गुजरिए, एक बार मंदिर पे आ करके दर्शन ज़रूर करिए। और ये बंदर जी महाराज है, देखिए हमको ये थोड़ा जानते भी हैं और हमसे ज़्यादा इनका लगाव है, जो अभी तक कंधे पे आके बैठ गए हैं। अब आपको लिए चलते हैं सूर्य मंदिर के अंदर, आपको लिए चलते हैं। ये है सूर्य मंदिर जो श्री श्री 108 रामदास जी महाराज द्वारा निर्माण कराया गया। इस मंदिर की खूबसूरती आपको छठ पूजा के टाइम में देखने को मिलेगा, जब ये पूरा मंदिर को सजाया जाता है। और ये देखिए अंदर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, और ये सूर्य नारायण जी का मंदिर है। ये देखिए सूर्य नारायण जी घोड़ों पे सवार हैं, और यहाँ का इस मंदिर का ख़ास बात आपको हम बताना भूल गए, ये भी बताता चलूँ कि इस मंदिर पे जो लोग भी भक्त आते हैं और सच्चे मन से जो कुछ भी मांगते हैं अवश्य पूरा होता है। और ये चारों तरफ का ये देखिए, ये है आपका यज्ञशाला है। ये यज्ञशाला यहीं पे जब यज्ञ होता है, महायज्ञ होता है, तो यहीं पे देखिए अभी जो पतझड़ के मौसम में ये पानी अभी बहुत गंदा दिखाई देगा। यहाँ का एक और ख़ास बात है, ये बरगद का पेड़ बहुत सालों से है। हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि ये बरगद का पेड़ बहुत पहले से है जो आज तक वैसी है। और सबसे ख़ास बात ये मैं बताता चलूँ कि ये देखिए, ये हर जगह ये परिसर का निर्माण कराया गया है। जो छठ व्रती लोग आते हैं दूर दूर से, छपरा, सिवान, गोपालगंज, सोनपुर, हाजीपुर, हर क्षेत्र से यहाँ पे आते हैं और यहीं पे रह कर छठ पूजा करते हैं, जिनकी मन्नत पूरी होती है। तो यहीं पास में मेरा घर है 500 मीटर के दूरी पे, जो आपको हम दिखाना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से। और ये मंदिर के देखिए, ये देखिए, ये जो वाइट कलर का जो है, आपको अभी जूम करके दिखाएंगे, ये वाइट कलर का जो घर दिखाई दे रहा है वो मेरा है, और ये 500 मीटर की दूरी पे है। और मैं यही बताना चाहूँगा आपको, एक छोटा सा वीडियो क्लिप छठ पूजा के टाइम का मैं डाल रहा हूँ, और देखिए यहाँ पे कितना भीड़ होता है, यहाँ पे पैर रखने का जगह तक नहीं मिलता है छठ पूजा के टाइम में। और इस मंदिर की खूबसूरती आपको उस टाइम देखने को मिलेगा। और आप भी सच्चे मन से आइए यहाँ पर, और जो भी विश हो यहाँ पे गॉड से प्रे कीजिए, अवश्य पूरा होगा। हम तो कहेंगे एक बार आप लोग आइए और दर्शन कीजिए। बाकी मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।